रात के अंधेरे में मौत बन के आया ट्रक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव खुनसरा के रहने वाले गंगाराम यादव उम्र लगभग 55, पुत्र श्री मोहन लाल यादव ग्राम खुनसरा के रहने वाले 20 तारीख की रात को वीरेंद्र नगर शिव मंदिर के निकट आ रहे थे और उसी समय एक ट्रक यूपी 26T0536 पीछे से आया और गंगाराम को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गंगाराम को कुछ लोग सीएचसी सितारगंज लेकर गए, जहां डॉक्टर अतुल यादव ने चेकअप के बाद गंगाराम को मृत घोषित कर दिया। और वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पंचनामा भरकर गंगाराम को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। गंगाराम के भतीजे राकेश ने बताया कि मेरी चाचा के दो बच्चे हैं जिनकी मां पहले ही खत्म हो चुकी है, अब देखा जाए तो उनका कोई सहारा नहीं है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वो चाचा है गंगाराम नाम उनका, ग्राम खुनसरा के रहने वाले हैं। मैं उनका भतीजा राकेश, उनका रात काम कुछ करके आ रहे थे, उनका वीरेंद्रनगर बाईपास पर उनका एक्सीडेंट हो गया था शिव मंदिर के सामने, और उनके दो बेटे हैं, जिसका नाम रौनक है, जिसका नाम आकाश है। उनके दोनों बड़े की उम्र 14 साल है, छोटे की उम्र 12 साल है। उनकी पत्नी है, हम लोगों को थाने सूचना मिली तब हम लोग सब परिजन यहाँ पे आए हैं। सरकार कुछ मदद करे, सरकार से मदद चाहिए। नाम का पेशेंट लगभग 45 साल 50 साल 45 से 50 बीच का उम्र का आदमी है और एक्सीडेंट होने की वजह से मृत अवस्था में अस्पताल आए। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।